एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना क्रिएटिव कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है सैटरडे के इवनिंग का टाइम, मतलब कि 4:30-4 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। और आज मैं ऑफिस से आ गई थी जल्दी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी इस वजह से। और आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। सो आज मैं बनाने वाली हूँ, हिमाचल में फेडू की सब्जी बनती है ना, उसे बहुत सारी जगह पता नहीं मतलब अलग अलग नाम से बोला जाता है, हमारे तो फेडू बोलते हैं। तो मेरी मायके वाली मम्मी ने घर से भेजे थे बड़े प्यार से, और हस्बैंड लेके आए थे पिछले कल शिवरात्रि वाले दिन, शिवरात्रि से पहले दिन आ गए थे हस्बैंड, तो उस दिन लेके आए थे। आज मैंने सोचा वो बना देती हूँ, ख़राब हो जाएगी, बड़े प्यार से वो मम्मी ने मतलब एक एक दाना निकालना पड़ता है वो। वैसे तो मैंने पिछले साल मतलब हर सीज़न में ना वो सब्जी बनाते ही बनाते हैं हम लोग, मतलब बहुत टेस्टी होती है। तो किस तरह से बनाई जाती है वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। और हिमाचल में तो बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा बट अपर हिमाचल में तो बहुत बनाई जाती है, तो फेटू ही बोलते हैं उसे। और बाकी आप अपने मतलब एरिया के एरिया वाइज अलग अलग प्रोनंसिएशन हो सकती है, बट हमारे यहाँ पे तो फेडू बोलते हैं। और उससे दूध सा भी निकलता है, आजकल उसके जो दाने होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, और इससे नेक्स्ट मंथ में वो हार्ड हो जाएंगे, फिर वो खाने लायक नहीं होता। तो चलिए बनाते हैं और चलते हैं किचन, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मम्मी भेजेंगे, मैंने जस्ट उन्हें इतना बोला था कि मुझे वो सब्जी खाने का मन कर रहा है और मम्मी ने भेज दिए। सो आपको पता है माँ तो माँ होती है, तो उन्हें बस मतलब थोड़ा सा पता लगना चाहिए कि मुझे ये खाना है तो भेज देते हैं। तो बस मेरा ऐसे ही मन कर रहा था, एक्चुअली किसी के व्लॉग में मैंने देखा था वो फेडू की सब्जी बनाते हुए, तो मेरा ऐसे ही रैंडम मन कर गया। तो मैंने सोचा मम्मी को बोलती हूँ। तो मम्मी ने पेड़ से निकाल के एक एक दाना निकाला उसका और बहुत सारी भेजी है, बट मैंने यहाँ पे अलग से सेपरेट 1 घंटे की मेहनत की है। अभी व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने पीछे वाला जो डंडा होता है ना वो निकाल दिया ताकि वो खराब ना लगे खाने में, तो इस वजह से। बाय द वे, मैंने थोड़ी नैप ले ली थी। और मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है एक, वो मुझसे एक्ने के लिए पूछ रही थी, तो मैं जल्दी ही वीडियो लेने मतलब लाने वाली हूँ चैनल पे। सो एक्ने की प्रॉब्लम और पिंपल प्रॉब्लम, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली है तो प्रॉब्लम एक्ने की मैक्सिमम लोगों को रहती है। और मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ स्किन केयर पे, तो वैसे मैं ब्लॉग में भी बता सकती थी बट मैंने सोचा एक अलग से वीडियो बना देती हूँ। और वो मुझे काफ़ी टाइम से पूछ रही थी, वैसे मैंने भी बोल रखा था कि मेरा फेस क्लीन कैसे हुआ है, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो सबसे पहले आज तो मैं शेयर करने वाली हूँ हिमाचल की रेसिपी, फेडू कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वॉश मतलब अलग से रख दिए हैं, वो अभी वॉश करने को है, एक एक दाना निकाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैंने फेडू को अच्छे से उन्हें निकाल के एक एक डंडी से यहाँ पे निकाल दिया है और अच्छे से इन्हें कुकर में डाल दिया है, अभी वॉश करने बाकी हैं। और हाथ भी बहुत ख़राब हो जाते हैं इससे, पेन भी होने लगती है, कई बार तो ब्लड भी निकलता है, बहुत मेहनत लगती है इन्हें निकालने में। वैसे तो मम्मी ने निकाल के भेजे थे बट थोड़े साफ़ किए मैंने, और मम्मी ने एक्चुअली अनियन और ये इकट्ठे भेजे थे तो यहाँ पर इतना कूड़ा निकला है इसका। बस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और गाइस, ये सब्जी तो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में कभी खाने को नहीं मिलेगी, ये बस अपर हिमाचल में ही आपको देखने को मिलती है। और इस तरह की लीव्स भी आप निकाल सकते हैं, बेबी लीव्स जो होती है बहुत अच्छी लगती हैं ये भी। तो बस अब इन्हें वॉश कर दूंगी। तो गाइज, यहाँ मैंने वॉश कर दी है सारे फेडू, और अब इसमें पानी डाल के विसल आने दूंगी। अभी आप कुछ भी इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे। इसके बाद मैं इसमें 4 से 5 विसल आने दे रही हूँ। इसमें सीटी आने के लिए छोड़ दिया है, तो अभी मैं थोड़े से मेरे बाकी के काम है उन्हें कंप्लीट करती हूँ। जितने में सीटी हो जाएगी अच्छे से वो पक जाएंगे, फिर पानी वगैरह निचोड़ना। इसमें आपको कम से कम 4-5 सीटी आने देनी है, ज़्यादा मतलब उन्हें गलाना भी नहीं है, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा आने मतलब ज़्यादा आने दूंगी मैं, क्योंकि मुझे दाने दाने भी पसंद है बट मुझे जो वो बिल्कुल प्रेस किए हुए ना, बिल्कुल एक मैश किए हुए उस तरह की सब्जी पसंद है इसकी, तो मैं ज़्यादा सीटी आने दूंगी। सो चलिए फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ।
सो गाइज यहाँ पे बॉईल हो गए थे फेडू और मैंने अच्छे से निचोड़ दिए थे। पानी सारा निकाल देना है क्योंकि वो कड़वा होता है, सारी कड़वाहट उसी के साथ निकल जाती है। यहाँ मैंने गार्लिक और अनियन चॉप कर दिया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है तड़का लगाने की बारी। तो कढ़ाई में पिछले कल ही शिवरात्रि के दौरान पकैंस बनाए थे तो इसीलिए उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखना है, बस ऑयल ज़्यादा रखेंगे तभी सब्जी का जो टेस्ट आता है अच्छे से। और यहाँ मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, धनिया है, सूखा धनिया, जीरा ऐड कर दिया है। इसके बाद प्याज थोड़ा सा ज़्यादा आपको कट करना है, 2 प्याज आप ले सकते हैं, और लाल मिर्च मैंने इसी में कट करके डाल दी थी। तो ये देखिए कितने अच्छे से हो गया है ये। और ऑयल ज़्यादा रखना है ये आपको पहले ही बता रही हूँ मैं। बस अब हल्का सा इन्हें ब्राउन होने देंगे। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भुना हुआ प्याज पसंद है, इस तरह की सब्जी में देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा आप इसमें टमाटर यूज़ ना करें क्योंकि टमाटर से गीली सी हो जाती है सब्जी, जबकि ये सब्जी जो है वो बिल्कुल ड्राई ड्राई सी अच्छी लगती है, तो टमाटर को आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको अगर लाइट ब्राउन सा अनियन पसंद है तो वैसा भी रख सकते हैं, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा भुना हुआ पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा भूनूंगी। बस इसके बाद अनियन हो गया था, अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें जो भी बेसिक से मसाले रहते हैं। ज़्यादा ऐसे कुछ स्पेशल ऐड नहीं किया है, बस हल्की सी थोड़ी सी हल्दी ऐड की है। इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च ऐड कर दूँगी, लाल मिर्च का जो पाउडर आता है, और साथ साथ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अनियन ऑलमोस्ट हो गया था, मैं इसी स्टेज पे ही सारे मसाले ऐड करती हूँ ताकि मसाले जले ना। तो ये तड़का रेडी है, अब इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सब्जी। बस थोड़ा सा और भून लूँगी ताकि हल्दी का थोड़ा सा रहता है कच्चा रहने का डर, बाकी ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो इस तरह की सब्जी जब भी आपको कहीं दिखे ज़रूर ट्राई कीजिए गाइस, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने जो फेडू बिल्कुल पानी निचोड़ के रखे थे तो वो भी अच्छे से यहाँ पे थोड़े से ड्राई और हो गए हैं। तो ये 1 घंटे का प्रोसीजर रहता है, गीले गीले नहीं रहने चाहिए। बस अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं ये फेडू और बस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसी तरह की बनती है ये ड्राई सब्जी। अगर आपको इसके साथ कुछ और तो आलू की सब्जी भी आप इसके साथ दही वाली या पानी वाली बना सकते हैं थोड़ा सा लिक्विडी के लिए। कईयों को ड्राई सब्जी के साथ दाल दूल पसंद होती है इसलिए, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हो गई है। हल्का सा पानी है इसमें, पानी छोड़ा है इन्होंने, और वैसे तो निचोड़ दिए थे बट ऊपर से ढक्कन लगा के इसी आँच पे फिर से पका दूँगी। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से घुल गए हैं और अब सारे मसाले इसमें ऐड ऑन हो जाएं अच्छे से। इसके लिए मैं इस पर ढक्कन लगा दूँगी और सिम आँच पे इसे थोड़ा सा और पका दूंगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी सब्जी बनके तैयार है, हिमाचल की स्पेशल फेडू की सब्जी जो आपको किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलने वाली, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बचपन से ही देखते आ रहे हैं मम्मी को भी इस तरह की सब्जी बनाते हुए, और हम तो हर सीज़न में इस तरह का बनाते ही रहते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड को भूख लग गई थी तो पिछले कल के पकैन बचे थे उसी के साथ मैंने सर्व कर दिया है, तो सबसे पहले मैं उन्हें ही देने वाली हूँ। मैं थोड़ा सा लेट करूँगी डिनर। सो गाइस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपको ये फेडू की रेसिपी कैसी लगी। और आज का मेरा यही व्लॉग था, तो काफ़ी टाइम से मन था मेरा आप लोगों से शेयर करने का, और आई होप आपको पसंद आई होगी। मे बी आपके वहाँ भी मिलती होगी, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। जो आउट ऑफ हिमाचल मेरे सब्सक्राइबर हैं, लोअर हिमाचल में भी मिलती है। और एक और सब्जी होती है जो वो जिसमें फूल लगते हैं वो भी होती है, वो मुझे उतनी टेस्टी नहीं लगती क्योंकि उसमें कड़वाहट सी होती है। इसमें कड़वाहट नहीं होती, बॉईल करने के बाद सारी कड़वाहट दूर हो जाती है। बस आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑयल ज़्यादा रखिएगा और मसाले जो हैं कम यूज़ कीजिएगा, सिर्फ प्याज ही डालना है और मिर्च, लाल मिर्च, मतलब चटपटी सी बननी चाहिए सब्जी, तब खाने का मज़ा आता है। सो चलिए गाइज, और इंजॉय कीजिए मेरे सारे व्लॉग्स को, देखिए प्रीवियस व्लॉग्स देखिए, और आने वाले अब मैं रेगुलर रहूँगी, थोड़ा सा पीछे गैप हो गया था, अब मैं कोशिश करूँगी। और मुझे कमेंट भी आते हैं आप रेगुलर व्लॉग बनाइए, अब मैं कोशिश करूँगी रेगुलर व्लॉग बनाने की। आई होप आपने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा, कल मिलती हूँ संडे वाले व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव गाइज़।